गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 में लेसन नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन है, बर्देश और हिरन एक पीढ़ी के साझेदार है, उनका लाभांश वितरण का अनुपात 3:2 है। एक चार सोलह को साझेदारों की कुल पूंजी 4,20,000 है, उनके स्थिर पूंजी का अनुपात 4:3 है। उस दिन उनके चालू खाते की बाकियां इस प्रकार है, 36,000 बर्देश की जमा और हिरन की 24,000 उधार। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको स्थिर पूंजी खाता की पद्धति देखा। जब स्थिर पूंजी खाता की पद्धति हो तो पूंजी खाता भी बनता है और चालू खाता भी बनता है। जब स्थिर पूंजी खाता की पद्धति हो तो पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी का लेखा होता है, अगर कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लाए तो उसका लेखा होता है, बाकी पूंजी खाते में कोई लेखा नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पूंजी दिया है और पूंजी का अनुपात दिया है 4:3। कुल पूंजी 4,20,000 दिया है, उसको हमें 4:3 में बांटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पूंजी को बांटेंगे। तो पूंजी दिया है आपको 4,20,000 और अनुपात दिया है 4:3। तो 4:3 के अनुपात में पूंजी को बांटेंगे। पहला है बर्देश, 4,20,000 गुणा 4/7। इसके बाद हिरन, 4,20,000 गुणा 3/7। तो 4,20,000 को 4/7 करेंगे तो आता है 2,40,000। और 4,20,000 गुणा 3/7 तो 1,80,000। तो बर्देश की पूंजी आई 2,40,000 और हीरा की पूंजी आई 1,80,000। तो पूंजी खाते की जमा वाली, पूंजी की हमेशा जमा शेष होती है, तो पूंजी की जमा वाली लिखेंगे शेष आगे लाएंगे। ₹2,40,000 बर्देश में लिखेंगे और 1,80,000 हिरन। उसके बाद चालू खाते की शेष दिया है, तो बर्देश की जमा शेष दिया है और हिरन की उधार शेष दिया है। तो जो जमा शेष दिया उसको जमा बाजू लिखेंगे और जो उधार शेष दिया उसको उधार बाजू। तो चालू खाता की जमा बाजू लिखेंगे शेष आगे लाए। बद्रेश का जमा दिया है तो जमा बाजू लिखेंगे उसकी शेष 36,000। हिरन की उधार दिया तो उधार बाजू लिखेंगे शेष आगे लाए। हिरन के खाने में 24,000। आगे साझेदारी करार पत्र के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर वार्षिक 12% के दर से ब्याज देना है तथा चालू खाता की प्रारंभिक शेष पर 10% के दर से ब्याज देना है। अब पहले देखेंगे कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लाया है कि नहीं, तो पूरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक पूंजी पर 12% के दर से ब्याज देना है, चालू खाते की बाकी पर 10%। साझेदारों ने पेड़ी में से किए आधार पर वार्षिक 12% के दर से ब्याज वसूल करना है। बर्देश को पेड़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले मासिक 2,400 वेतन देना है। बर्देश ने 1/16 को 36,000 और हीरा ने 1/17 को 48,000 का आरंभ किया। हीरा को उसका कमीशन घटाने के बाद 10% शुद्ध लाभ पर कमीशन देने का प्रावधान करना है। मतलब के यहाँ पे अतिरिक्त पूंजी लाया नहीं है तो प्रारंभिक पूंजी पर ही पूंजी पर ब्याज उसको दोनों साझेदार को दिया जाएगा।
तो दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। भद्रेश की पूंजी है 2,40,000 और हिरण की है 1,80,000। पूंजी पर ब्याज 12%, तो 12×100 तो पूंजी पर ब्याज ज्ञात करेंगे 2,40,000 गुणा 12%, तो प्रदेश का आएगा 28,800। 1,80,000 गुणा 12%, तो 21,600। जब पूंजी खाता की अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति हो तो पूंजी पर ब्याज पूंजी खाते में, लेकिन यहाँ पे स्थिर पूंजी खाता की पद्धति है तो पूंजी पर ब्याज जो है वो चालू खाते में जमा बाजू लिखेंगे। तो पूंजी पर ब्याज भद्रेश का 28,800 और हिरण का 21,600 जो एंट्री पूंजी अथवा चालू खाते में जमा होती है वो लाभांश वितरण में उधार, तो लाभांश वितरण में उधार भाग लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। भद्रेश हिरण, भद्रेश का पूंजी पर ब्याज आया 28,800 और हिरण का आया 21,600। तो दोनों का टोटल करेंगे 28,800 प्लस 21,600 50,400। चालू खाता की प्रारंभिक शेष पर 10% की दर से ब्याज गिनना है, तो जैसे हमने पूंजी पर ब्याज गिना इस हिसाब से चालू खाते पर ब्याज गिना जाए। तो भद्रेश का चालू खाता का जमा शेष है, तो जमा वाले लिखेंगे चालू खाते का ब्याज। यहाँ पे 10% दिया है, जैसे पूंजी पर ब्याज की गिनती किया इस हिसाब से आरएम पर ब्याज की भी गिनती करेंगे, तो 36,000 का 10% 3600 चालू खाते में जमा है, लाभांश वितरण में उधार है, चालू खाते का ब्याज। फर्स्ट टाइम में बी लिख देंगे, मतलब भद्रेश का 3600। इसके बाद हिरण का उधार वैल्यू है, तो उधार वैल्यू लिखेंगे चालू खाते का ब्याज। ₹24,000 का 10% 2400। चालू खाते के उधार वैल्यू में लाभांश वितरण में जमा, ऊपर से एक लाइन छोड़ देंगे शुद्ध लाभ, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जमा वैल्यू चालू खाते का। मतलब हिरण का समझ लेना 24। आरण पर 12% के दर से ब्याज गिनना है, तो सबसे पहले हम आरण कितना कितना है वो लिखेंगे, तो चारों खाते की उधार वाले लिखेंगे आरण खाते भद्रेश ने आरंभ किया है 36,000 और हिरण ने आरंभ किया है 48,000। दोनों ने जो आरंभ किया है वो अलग अलग तारीख को किया है, तो तारीख के हिसाब से आरंभ पर ब्याज की गिनती करेंगे। पहला है भद्रेश का आरंभ, भद्रेश
लाख को आरंभ किया तो आरंभ कर दिया एक दस सोलह हमारा इंसानी वर्ष 31/17 के दिन पूरा होता है तो 1/10/16 से 31/17 तो कितना महीने का गैप गिना जाए तो देखो 1/10 मतलब के 10वां महीना पूरा गिना जाएगा क्योंकि उसकी पहली तारीख है तो 10, 11, 12 1, 2, 3 तो टोटल 6 महीने का गैप निकलेगा तो 36,000 आरंभ पर ब्याज 12% तो 12/100 गुणा 6 महीने का ब्याज निकालना है तो 6/12 तो 36,000 गुणा 12% है गुणा 6/12 टोटल होगा 21,00,000। इसके बाद इधर हीरल ने जो आरंभ किया है वो 1/1/17 है तो 1/1/17 से 31/3/17 मतलब कि 3 महीने का ब्याज उसका निकलेगा। हीरल ने 48,000 रुपए का आरंभ किया है 48,000 गुणा 12/100 गुणा 3/2 तो 48,000 गुणा 12% गुणा 3/12 तो 1440 तो आरंभ पर दिया जाए 21,60 और 1440 चालू खाते में उधार बाजू लिखेंगे आरंभ पर ब्याज भद्रेश का है 21,60 और गिरल का है 1440। चालू खाते में उधार बाजू लाभांश वितरण चालू खाते में उधार लाभांश वितरण में जमा चालू खाते का ब्याज सॉरी
4,06,800 प्लस 2,400 प्लस 2,600 तो 4,12,800। उसमें से ये जो रकम घटा देंगे माइनस 50,400 माइनस 3,600 तो आया है 3,58,800। अभी यहाँ पे लिखना नहीं है क्योंकि उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि हीरा को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देना है। एक एंट्री बाकी रह गई है, 3200 पीढ़ी में सक्रिय काम करने के बदले 2400 वेतन देना। तो चालू खाते की जमा बाजू वेतन खाते एक महीने का 2400 है तो 12 महीने का होगा 28,800। तो ये जमा है, लाभांश वितरण में उधार करेंगे उसके बाद वो घटाएंगे। तो वेतन खाते फर्स्ट नंबर 28,800। चलो फिर वो घटाएंगे 4,12,800 माइनस 50,400 माइनस 3,600 माइनस 28,800। अब आया 3,30,000। उसमें लिखा है कि हीरल को उसका कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देने का प्रावधान दिया है। तो अब हम कमीशन की नीति करेंगे। लिखा है कि कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ, तो पहले मैंने सूत्र आपको बताया कि कमीशन बराबर शुद्ध लाभ प्रतिशत का दर बटे में 110% का दर। तो यहां पे हमारा शुद्ध लाभ आया है 4,12,800 में से रकम घटाने के बाद आता है 3,30,000। लिखा है कि 10% कमीशन देना है, तो 10/100+10 तो आएगा आंसर 30,000। तो कमीशन देना है 30,000। चालू खाते में जमा वाले लिखेंगे कमीशन खाते हीरल को 30,000 और चालू खाते में उधार वाले लिखेंगे कमीशन खाते हीरल का 30,000। कमीशन कटाने के बाद के पहले का हमारा लाभ 3,30,000, कमीशन 30,000 दे दिया तो अब हमारा वितरण पात्र लाभ हो जाएगा 3,00,000। तो वितरण पात्र लाभ भद्रेश और हीरा 3,00,000। पहला ही लाइन में लिखा है कि लाभांश वितरण का अनुपात 3:2 है, तो 3,00,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 3,00,000 × 3/5।
तो 1,10,000। भद्रेश्वराय लाभ 1,10,000। फिर वीरल का 3,00,000 × 3/5 1,20,000। उसको लिखा जाएगा चालू खाते में जमा पात्र वितरण पात्र लाभ 1,80,000 और 1,20,000। अब टोटल देंगे भद्रेश का जमा बाजू का 2,77,000। इसके बाद हीरा का टोटल करेंगे जमा का 1,71,600। भद्रेश का उधार बाजू का जितनी भी एंट्री वो सब घटाएंगे 2,77,200 माइनस 36,000 माइनस 21,000 तो आया सेल्स आगे ले गए। ₹239,040 और हीरक का 1,71,600 में से घटाएंगे 24,000, 2,400, 48,000 और 14,40 95,700। शेष आगे ले गया 239,040 और 95,760। पक्की दलपट हो तो पक्की दलपट में उसको लिखा होता। तो ये लिख लेना और क्वेश्चन नंबर 9 था। अब 10, 11 और 12 होमवर्क। ओके।